हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के टीजर के ऊपर। तो फाइनली यार, ये टीजर रिलीज कर दिया गया एंड पर्सनली ये टीजर मुझे कैसा लगा यार, इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि भाई यहाँ पर अपने दो क्रेजी स्टार है जो कि भाई एक्शन धमाकेदार करते हैं। पहले अपने टाइगर श्रॉफ जो कि सिर्फ एक्शन ही करते हैं, दूसरे अपने खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार जो कि साल की 3-4 पिक्चरें करते हैं। वो चले या ना चले उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ पिक्चर आनी चाहिए। एंड अब बारी है छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी की, जिसका टीजर देखने के बाद यार ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हाँ यार, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हो हीरोइक वीके। तो यार टीजर की स्टार्टिंग होती है सुनहरी वादियों से और यार यहाँ पर हमें काफी सारे आर्मी के ट्रक्स दिखते हैं जिन पर अचानक से कोई अटैक कर देता है, वो भी हेलीकॉप्टर्स की मदद से। अब ये अटैक इन पर क्यों हुआ इसका तो कोई आइडिया नहीं है, मगर जैसा भी था ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। और फिर इसके अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि यार काफी तगड़ी लैंग्वेज में भाई डायलॉग बोल रहा है, और ये डायलॉग इंडिया पर और उसके ऊपर आने वाले प्रलय के ऊपर है। और जानते हो ये डायलॉग कौन बोल रहा है? कोई और नहीं, पृथ्वीराज शिवकुमारन, जिन्हें आपने हाल ही में सलार मूवी में देखा होगा। हाँ भाई, अपने वरदराज मन्नार। और फिर इसके अगले ही शॉट में हमें एक हाईटेक सा रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर आधा जुड़ा हुआ रोबोट लटका हुआ है तारों में। और फिर यहीं पर एंट्री होती है मूवी के मेन विलन की, जिसने यार काफी ज्यादा कूल मास्क पहन रखा है। एंड पर्सनली ये मास्क मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एंड इसके अंदर से जो उसकी आंखें चमक रही हैं गोल्डन तरीके से, उससे समझ जाओ कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो भाई बवाल करने वाला है। अब जिस तरीके से टीजर में विलन का लैब हमें दिखाया गया, इससे तो ये क्लियर पता चल रहा है कि ये सुपर सोल्जर्स बनाता है या फिर हाईटेक रोबोट्स बनाता है। जहां ऐसा हो सकता है कि ये इनका इस्तेमाल करके दुनिया को अपने काबू में करना चाहता है। अब कहने को तो बड़ी बात लगती है, लेकिन अब जिस तरीके से इसे दिखाया गया है टीजर में, उसे तो ऐसा ही पॉसिबल लग रहा है मुझे। हाँ, अब जब ये एक थ्रेट है दुनिया के लिए या फिर कह लो इंडिया के लिए, तो इन्हें रोकने के लिए भी हीरो चाहिए। और यहीं पर इसके अगले ही शॉट में एंट्री होती है हमारे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, जहाँ ये दोनों इंडियन आर्मी में है और इंडियन आर्मी में काफी बड़े पोजीशन पर हैं। और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने साथ में काफी सारे मिशन भी कर रखे हैं और मूवी के मेन विलन को ये दोनों साथ में मिलकर रोकने वाले हैं। अब टीजर में इन दोनों के हमें काफी कूल एक्शन शॉट्स देखने को मिले हैं जो कि यार इंप्रेसिव लगते हैं। जहाँ टीजर के काफी सारे एक्शन सीन्स में इन्हें साथ ही में दिखाया गया है, तो हाँ मतलब समझ जाओ कि ये ब्रोमेंस टाइप की मूवी होने वाली है जिसका विलन काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। अब देखो यार, जिस तरीके से मूवी के विलन ने मास्क पहन रखा है, उससे तो यही लग रहा है कि भाई कुछ बवाल तो करने ही वाले हैं ये लोग। जहाँ पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि मास्क पहनने के पीछे कोई स्टोरी हो, ना कि यार विलन को कूल दिखाने के लिए मास्क पहना दिया, ये काफी ज्यादा भद्दा मजाक हो जाता है। मगर मैंने टीजर में एक चीज नोटिस की, जब विलन ने मास्क पहन रखा था तो उसके बीच में उसकी आंखें गोल्डन कलर की दिख रही थी। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद वो बंदे ने भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो जिससे वो सुपर सोल्जर बन गया हो। और ये तो आपको पता ही होगा कि पावर्स मिलने के बाद या फिर लोग हीरो बनना पसंद करते हैं या फिर विलन। अब शायद इसने विलन का रास्ता चूज किया तो भाई इसलिए अपना बंदा मूवी का विलन बन जाता है। अब यार इस मूवी को डायरेक्ट किया है अब्बास जफर ने, जिनकी आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, अभी हाल ही में उनकी ब्लडी डैडी मूवी आई थी। ओवरऑल यार इसका टीजर बढ़िया ही लगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ट्रेलर में हमें देखने को मिलेगा कि आखिरकार मूवी में होने क्या वाला है। और मैं नहीं चाहता यार कि ये मूवी भी ऐसे लटक जाए जैसे गणपत लटक गई थी, क्योंकि उसे भी पूजा एंटरटेनमेंट ने ही बनाया था। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।